नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज तिवारी। तो नजर डालते हैं अगली खबर पर। सागर जिला के देवरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सालाबारा की ग्रामवासी स्वयं को ठगासा महसूस कर रहे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किए गए वादे नेताओं ने खूंटी पर टांग दिए। बुंदेलखंड का यह क्षेत्र डिजिटल भारत को चढ़ा रहा है, लेकिन विकास का दावा करके गए नेता आज तक इस गाँव की ओर देखने तक नहीं लौटे। रहली गौर झामर के मध्य स्थित ग्राम पंचायत सालावारा के ग्वारी टोला के कच्चे मार्ग को आज तक जीवन दान नहीं मिल सका और भारत की आजादी के बाद भी यह मार्ग 50 दशकों पूर्व जैसा है। 1.5 किलोमीटर लंबे रास्ते को बनाने के लिए सांसद, विधायक, मंत्री एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कई बार लिखित मांग भी की गई, परंतु आज तक इस मार्ग का डामरीकरण नहीं हो सका। भैया बहुत समस्या बनती है, बच्चों को स्कूल भी नहीं पहुंचा पाते 4 महीने को, तो बहुत दिक्कत बनती है, बहुत ज़्यादा। 4 महीना बच्चा घर पे रहते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जो कि सबसे कह चुके हैं, विधायक मंत्रियों से सबसे मांग कर चुके हैं, आवेदन भी दे चुके हैं, भार्गव जी से भी कह चुके हैं। इस गाँव की आबादी करीब 700 लोगों की है, जबकि यह आदिवासी बाहुल्य गाँव है। बरसात में यहाँ के बासिंदे 4 माह के लिए घरों में कैद हो जाते हैं। यहाँ के भोले भाले लोगों को नेता अपने लुभावने वादों से प्रभावित कर चुनाव जीत कर निकल लेते हैं, जो मुड़कर पीछे नहीं देखते। क्या दुआरी भैया हरे तो सुनता ही नहीं है बिल्कुल, कछु कछु कहो ने कोनो जानकारी दे गई टोला को, तो बिल्कुल ऐसे डाले हैं। जो हमारा टोला देवरी विधानसभा के माने देवरी विकास खंड के ग्राम पंचायत सालाबारा जो की गुआरी टोला है, थोड़ी वो है, थोड़ी को रोड हो गया है, हमारा रोड तो बिल्कुल ऐसे डला हुआ है। कितनी आबादी है यहाँ की? लगभग 750 की लगभग। बरसात के समय इस सड़क पर आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। इसी सड़क के बीच एक नाला भी है जो थोड़े से पानी गिरने पर उफान पर आ जाता है, जिस पर पुलिया व्यवस्थित न होने के कारण यहाँ के लोगों की जान खतरे में बनी रहती है। अखिलेश जैन, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, गौर झामा।